सफेद बारूद से डर गया जर्मनी, यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने से इनकार। 22 जून 1941 का दिन जब एडोल्फ हिटलर ने ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च कर दिया था, यानी सोवियत संघ पर सरप्राइज अटैक। तीन तरफ से हुए अटैक में बहुत जल्दी ही आज के यूक्रेन पर जर्मनी का कब्जा हो गया। तब यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था। डोनेट्स्क, कीव, ओडेसा जैसे शहरों में आज रूसी तबाही बरपा रहा है, पर जीत नहीं रहा है। दूसरे विश्व युद्ध में भी कुछ ऐसा हो ही रहा था। हिटलर का ब्लिट्ज़क्रीग फ्रांस में तो चला, जहां 3 हफ्ते में पूरे देश पर कब्जा हो गया, लेकिन सोवियत संघ सफेद बारूद साबित हुआ। तीन तरफ से हुए हमले में ना मॉस्को हाथ लगा ना लेनिनग्राद। गोले बारूद से ज्यादा सर्दी के सितम ने लगभग 8 लाख नाजियों की जान ले ली। हिटलर की हार के बाद पेरिस की संधि के तहत रूस ने पूर्वी जर्मनी पर कब्जा कर लिया, जहां कम्युनिस्ट सरकार बनी। पश्चिमी जर्मनी यूरोप के प्रभाव में रहा। ये सिलसिला 1989 में बर्लिन की दीवार टूटने के साथ खत्म हो गया। उधर मिखाइल पेरेस्त्रोइका से सोवियत संघ के टुकड़े टुकड़े हो गए, यूक्रेन भी अलग देश बना, लेकिन जर्मनी और रूस के रिश्ते तेजी से बढ़ते हैं। 90 के दशक में रूस एंटी मिसाइल सिस्टम और लड़ाकू जहाजों की सप्लाई जर्मनी को शुरू करता है। नई सदी के दूसरे दशक में रिश्तों पर ब्रेक लगता है जब रूस 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करता है और नजरें यूक्रेन की तरफ जाती हैं। जर्मनी सख्त एतराज जताता है। नाटो से तनाव के बीच जर्मनी और रूस के रिश्ते फंस जाते हैं। अब जब यूक्रेन पर रूसी हमले का 1 साल पूरा होने वाला है, तब जर्मनी की ये फांस और बढ़ गई, इतना कि नाटो के संगी साथियों ने ही जर्मनी को सुनाना शुरू कर दिया है। जब अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, उसी समय जर्मनी मुकर गया है। उसने यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने से मना कर दिया है। वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की हैरान परेशान है। खैर, उनकी परेशानी तभी तय हो गई थी जब अमेरिका ने जंग की सूरत में जवाबी हमले की बात कही, लेकिन पुतिन की सेना यूक्रेन में घुस गई तो घिग्गी बन गई। आर्थिक प्रतिबंधों से रूसी ड्रोन और मिसाइलों का मुकाबला तो होगा नहीं, इसके लिए ज़ेलेंस्की को हथियार चाहिए। इसलिए अमेरिका और यूरोप के कई नाटो सदस्यों ने सैनिक ताजो सामान यूक्रेन भेजा है। इसमें हमार्स भी शामिल है, जो पुतिन के टैंकों के लिए काल साबित हुआ। पर घातक हथियार देने से नाटो कन्नी काट रहा है। उसे डर है कि कहीं क्यूबा संकट की तरह रूस अपनी मिसाइलों का मुंह उनकी ओर न मोड़ दे। जर्मनी की ना कि पीछे हमले की डर से ज्यादा चिंता रहने की चुनौती है।